नमस्कार, मैं हूँ आशा। आप सभी का स्वागत करती हूँ नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन में। राहुल गांधी आए दिन या तो किसी मीडिया संस्थान या किसी संगठन या सोशल मीडिया के किसी सीईओ पर मोदी सरकार से मिलीभगत होने के आरोप लगाते रहते हैं। आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले ट्विटर पर राहुल गांधी के फॉलोअर्स की संख्या घटने लगी थी, जिस पर राहुल गांधी ने ट्विटर पर मोदी सरकार से मिलीभगत होने के आरोप भी लगाए थे। उन्होंने ट्विटर को इसके लिए पत्र भी लिखा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पिछले महीने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को लिखे गए पत्र का ट्विटर ने जवाब दे दिया है। राहुल गांधी के फॉलोअर्स की संख्या घटने पर ट्विटर ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि फॉलोअर्स की संख्या अकाउंट के साथ दिखे, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि फॉलोअर वास्तविक हों। ट्विटर के पास हेर फेर और स्पैम के लिए कोई जगह नहीं। हम मशीन लर्निंग टूल्स के जरिए हर सप्ताह बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स और स्पैम की छटनी करते हैं। ऐसे में फॉलोअर्स की संख्या में कमी हो सकती है। राहुल गांधी के इस पत्र के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो उन्होंने 27 दिसंबर 2021 को ट्विटर को एक पत्र लिख कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि ट्विटर मोदी सरकार के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने बकायदा ट्विटर अकाउंट का डाटा भी शेयर किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ तुलना करते हुए कई आरोप भी लगाए। अब ट्विटर ने इस पत्र का जवाब दिया है। तो आपका क्या कहना है राहुल गांधी के इन आरोपों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आगे की खबर के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।